नमस्कार। तो स्वागत है आपके मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 के कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में, जिस पे आप एसे लिख सकते हैं। और टीयर टू का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का, या एसएससी सीजीएल का जो आने वाला जो एग्ज़ाम है, या पीएससी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो है इस पे आपको एसे लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उसी से रिलेटेड आपका पेपर आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में उस पर हम बात करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2018 का टीयर टू का पेपर आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है 2018 का टीयर टू का पेपर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का, और ये इंग्लिश वाला पार्ट है जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना था। यहाँ पे एक वर्ड को पिक किया गया था जिसका नाम है कोर वैल्यू। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कोर वैल्यू एक वर्ड्स था, इसको पिक किया गया था। और ये जो था उस टाइम के जो हमारे प्रेसिडेंट थे श्री प्रणब मुखर्जी, उनका एक स्पीच था कोर वैल्यू पे, उसी को उठा करके सीधा पेपर में डाल दिया गया था। इससे यही क्लियर हो रहा है कि आप जितने भी सम्मिट्स हुए हैं 2023 में, ठीक है, जितने भी बैठक हुई हैं, चाहे वो यूएन में हुआ हो या इंडिया में हुआ हो, ठीक है, या आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया तो लाल किले से पीएम मोदी द्वारा क्या बोला गया, या फिफ्थ आपका लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है अपना इंडिया, उस पर भी बहुत सारा अभिभाषण हुआ है। अभी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उनका जहाँ जहाँ भी अभिभाषण हुआ होगा, उनका स्पीच हुआ होगा, तो किन किन टॉपिक्स पे वो बात की होंगी, ठीक है, उसको थोड़ा आप लोग सुनिएगा यूट्यूब पे, या आप लोग को गूगल पे सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, उसको आप लोग कोशिश करिएगा उस पे ऐसे लिखने का, ठीक है ना। और आपको मिल जाएगा गूगल पे कि उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं, तो उसको आप लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा इंग्लिश में या अपने सब्सिडरी लैंग्वेज में। वैसे ही अब हम बात करें हिंदी वाले पार्ट की, तो हिंदी वाले पार्ट को लिया गया था इन्वायरमेंट से, ठीक है, और ये भी उस टाइम यूएन में एक समिट हुआ था, ठीक है, जलवायु संधि इन्वायरमेंट एमओयू पे साइन हुआ था 195 देशों का, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये 2020 में हुआ था, तो ये भी करेंट टॉपिक ही है, ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बता दिया आपको कि करेंट इश्यूज को लेना है, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन को लेना है, और इन्वायरमेंट को लेना है। तो अभी इन्वायरमेंट पे आप क्या ले सकते हैं, आप नेट जीरो कार्बन ले सकते हैं या जीरो प्लास्टिक ले सकते हैं, ठीक है ना, या प्लास्टिक पे अगर बैन किया जाता है तो उसका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी अगर प्लास्टिक को बैन किया जाता है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आपको जाना है गूगल पे, आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ 2023 फॉर एसे राइटिंग, ठीक है, वहाँ से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, और उन टॉपिक्स को आप फिर से गूगल में सर्च करके जो भी आर्टिकल आपको मिलेगा, बहुत सारे राइटर जो है उस पर आर्टिकल लिखते हैं, तो जो भी आर्टिकल्स मिलेंगे उसको आपको अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या अगर इंग्लिश आपको आपके आपका जो सब्सिडरी लैंग्वेज है खुद इंग्लिश है पहले से ही, तो उसको अपने लोकल लैंग्वेज में आपको लिखने का प्रयास करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।